ये है जनाब किला दिरावड़। ये बैरूनी मंजर दिखा रहे हैं उसका। अब इसके अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। किले के अंदर पहुंच चुके हैं। कितने सौ साल पुराना किला है। घोड़े नाल ये जनाब किला दिरावड़। ये उसका बैरूनी हिस्सा। ये उसका मेन गेट है। इसकी तारीख जो है वो आपको हम आपको दिखाते हैं। नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी। ये वही मस्जिद है जो आपको पहले दिखा रहे थे हम। ये जनाब इसकी तारीख है वो हम आपको दिखाते हैं। ये किले की तारीख है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं क्लोज करके। और ये जनाब है नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी, साहबजादा उस्मान अब्बासी। ये इनकी मलकियत है। अब ये जनाब भाई आ रहे हैं चाबी लेके। अब ये किले का मेन दरवाज़ा खोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई वो जो पार्किंग वाला है। जी जनाब ये किले का दरवाज़ा खोल रहे हैं। हम जा रहे हैं किले के अंदर। और ये देखें किले के मेन गेट पे वही सिंजाक वही नेजे लगाए हुए हैं पुराने। ये क्यों लगा सकते थे उस वक़्त? इन किलों को फतेह करना जो है ना बहुत बड़ी जो है ना मुश्किल हो जाती मुश्किल होती थी। और इनके मेन दरवाजों पे आके अटैक किया जाता था। इन दरवाजों पे अटैक करने की वजह से ये लगाए गए हैं। क्यों लगाए? नहीं तो ऊपर कहाँ अटैक करेगा कोई जाके? नहीं पहले वो लकड़ियों से आके अटैक करते थे ना मेन दरवाजों से जो भी हमलावर आता था। जी जनाब इसकी एंट्री फीस हमने जमा करवा दी है। ये 150 रुपये। और अब हम किले के अंदर आ गए। ये देखें जनाब इस किले के अंदर आ गए हम। ये जी मेन दरवाजा इसका। और ये जनाब इसकी उस वक्त क्या बनाया होगा अल्लाह जाने। ये इसका दूसरा गेट है जनाब। ये दूसरा गेट है सर। ये मतलब कि दो दो गेट लगाए जाते थे किलों को। ये दूसरा गेट लगा हुआ है वो पहले वाला गेट। आप इसके अंदर आ गए हैं जनाब हम। लो जनाब इसके अंदर का तारीखी पस मंजर। ये देखें जनाब खंडरात बन गए हैं। ये उस दौर में वो लगता है मेरे ख्याल कमरे होंगे बहुत बड़े बड़े जो कि वक़्त गुजरने के साथ साथ और सैलाबों की बारिशों की वजह से ज़ाय हो रहे हैं। Thank you.
हैं किंदे दे लो ना ये वो जो तारीखी तोप है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जना ये देखें ये तारीखी तोप खड़ी है ये भी दिखाते हैं आपको। ये किले का अंदर का मंजर आपको दिखा रहे हैं जनाब। ये जनाब अमारात जो उस वक़्त के कमरे थे रिहायशी मकीनों के जो किले के अंदर वाक़े हैं। ये मेन बिल्डिंग इसके दरवाजे बंद किए हुए हैं इन्होंने। ये जनाब बहुत बड़ा किला है ये और इसको सर करना उस वक्त में सबसे मुश्किल शुमार किया जाता था जो कि उस वक्त के नवाब बहावल ने फतह किया और ये अब तक अब्बासिया ख़ानदान के पास आ रहा है। ये लकड़ी बारिश में खड़ी है ये लकड़ी बहुत व्यार में खल क्या चाचू वजन कितना करेगा वो वजन बहुत है इसका ये 1000 साइड दे वहीं चलना जावे कि ठीक है तो इसको कुछ भी नहीं हुआ देखें ना आप ये जनाब किले के बाकी आप दिखा रहे हैं किला दिवावड के हम आपको किले के अंदर के मनाजर चारों तरफ के वो किले के वस में जो नस्ब थी तोप वो भी दिखाई आपको। खींचते किस तरह थे हाँ बंदे ही खींचते थे भाई किस तरह जी जनाब अब हम आपको दिखा रहे हैं किले का अंदरूनी मंजर ये उसकी सहरा है कमरे कमरे आपको दिखाते हैं अंदर से ये जनाब इसका अंदरूनी मंजर कमरों का जी जनाब ये इसका अंदरूनी मंजर है ये देखें जनाब किले का अंदरूनी मंजर बहुत खूबसूरत। ये किला टूट बूर ये मकमल किले के अंदरूनी मनाजर तीज वेख लिया किला राणा साहब साईं मैं डिठा ये जनाब हम किले की मस्जिद भी दिखाते हैं आपको।
ये जो मेहमानों वाला कमरा बनाया गया था वो जिसमें मेहमान ठहरते थे, नहीं बाद में नहीं बनी, किले के वक्त की है। किले के वक्त की है ना? इधर जाएंगे और वो तो पर आएंगे अपने। ये हमारे चाचू का जो बचपन गुजरा है। चाचू गुजरा है बचपन आपका? अंकल जी जी गुजरा है। कल गुजरा है? ये घोड़ों का अस्तबल था, ये घोड़ों का अस्तबल था भाई। घोड़ों का अस्तबल था ये वाला? जी हाँ जी। वो कहा था अस्तबल के घर थे घोड़ों, घोड़े बांधने के लिए इस्तेमाल होता था। नहीं नहीं ये बाद में लगाया गया भाई, उस वक्त का नहीं है। हाँ ये देखें जनाब, ये खंडरात बन गए हैं। ये है जी, ये वो दरवाजा था जहाँ से वो किले के मकान या बादशाह एंटर होते थे। अब भी कुछ चीजें मौजूद हैं, वो बहु उसी हालत में, वो हम आपको दिखाते हैं बुलंदी से जरा। ये जनाब किले की छावनी थी मेन, ये जनाब अब हम आपको बैरूनी मंजर भी साथ साथ दिखाएंगे। ये किला दिरावड़ सहरा के बीचों बीच फन्ने तामीर का एक आला नमूना दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखें जनाब, ये फसील के साथ बैरूनी दीवार जो बारिशों की वजह से टूट चुकी है वो दिखा रहे हैं आपको। तो आगे ना जाना गिर जाएंगे। ये तामीर का काम दोबारा शुरू किया गया है लेकिन किसी वजह से रुकवा दिया है, लेकिन वो मस्जिद जो शाही मस्जिद हम आपको पहले दिखा चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्या है जो ऊपर जा रहा है? ये जनाब तहफ़्फ़ुज़े बहाली बारादरी, ये दिखाते हैं मसलन ये क्या चीज थी, इसमें कौन आता था? ये बारादरी की वीडियो दिखाते हैं, मेरे ख्याल है कि अंदर से ये बंद है, खुला है। बंद है, बंद कर दिया। इसको ताला लगाया हुआ है। अब हम ऊंचाई से पूरे ऊपर वाले किले का मंजर आपको दिखाते हैं जनाब। ये देखें बैरूनी फसील, वो जनाब अंदरूनी महल का मंजर, और चारों तरफ ता हद निगाह जो है वो आप देख रहे हैं, सहरा ही सहरा है। इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ? ना भाई ना, नहीं उदो नहीं डिगदे, खुबियां बनिया होंदिया सी, देवियां खुबियां बनिया ने। पट्टी डाल सकते हैं, ये मोबाइल तो नहीं डाल सकते। तो
गालां हो गया ना फिर गांड वाली इतनी प्यारी बच्ची गई किसी ने आख्या उन्होंने आठ में टक्का कर किसी दिल से सुभान अल्लाह।